बात कर लीजिए, चाहे मथुरा काशी की बात कर लीजिए, ये मामले को डाइवर्ट करके बाकी चीजों पर ले जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, इनके देखिए कुंदन जी, इनके पास ये बता रहे ना कितने मुद्दे हैं, लेकिन शहदाद साहब एक मुद्दा ऐसा बताते जिस पर इनके किसी नेता ने, इनके किसी बड़े सांसद ने, इनके बड़े विधायक ने, पूर्व मंत्री ने, किसी ने प्रदेश अध्यक्ष ने, किसी ने जनता के साथ मिलकर एक बार भी धरना प्रदर्शन करने की बात की हो, एक बार भी जनता के साथ इन्होंने यात्रा करने की बात की हो, एक बार भी कभी गरीबों के साथ उठकर आए हो, एक बार भी कभी किसी के दरवाजे पर गए हो। हाँ, इन्होंने बीच में एक ड्रामा जरूर किया था कि वो JPNIC की बिल्डिंग में 8 फीट ऊंची बिल्डिंग थी उस पर से कूद कर इन्होंने अभ्यास किया था कि 2024 में लोकसभा चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, तो कम से कम अगर नई संसद का दीदार करना हुआ, नई संसद का दर्शन करना हुआ, तो उसका अभ्यास उन्होंने किया था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। पूरा समाज, अल्पसंख्यक समाज आज जान रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ हठधर्मिता की राजनीति, अहंकार की राजनीति कर रहे हैं और मतलब परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। एक बार मौका दिया था सरकार बनाने का 2012 में, उसके बाद से जो प्रदेश में त्राही त्राही मची थी, आज भी अल्पसंख्यक समाज के घरों से वो धुआं उठ रहा है और लगातार अल्पसंख्यक समाज उस गलती के लिए माफी मांग रहा है कि अब दोबारा समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पूरी आस्था के साथ हैं। और लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे शुक्रिया मोदी भाईजान हो और चाहे शुक्रिया मोदी जी हो, आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज लगातार, आज जो समाजवादी पार्टी जो बौखलाई हुई है वो इसी वजह से बौखलाई है कि इनके पास जो एक वोट बैंक हुआ करता था वो वोट बैंक ही खत्म हो चुका है, जिसके ऊपर ये राजनीति क्या करते थे। ओबीसी की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया ओबीसी समाज का, तो इनकी जो एकजुटता थी वो भी टूट गई, अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, चलिए फिर से ज्ञानवापी की बात कर लेते हैं। अनुपम जी हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुपम द्विवेदी जी आप सुन रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज जारी होगी। अनुपम जी, जो वजूखाने जो सील एरिया है उसे लेकर के मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि वहां पर साफ सफाई जरूरी है, पानी देना जरूरी है मछलियों के लिए, हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया है क्योंकि ये मामला अब ऊपरी अदालत तक चला गया है, इसका स्टेटस क्या है? ये दोनों तरफ से जो डिमांड की जा रही है कि वहां पर साफ सफाई का अधिकार मुस्लिम पक्ष को मिले, हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया, कहा यह जा रहा है कि वहां पर चूंकि शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर सफाई का अधिकार हमें मिले, क्या स्टेटस है कोर्ट में इस मामले का? देखिए, ऐसा है कि एप्लीकेशन जो उन्होंने डाला है उस पर ऑब्जेक्शन कॉल की गई है, हम उस पर ऑब्जेक्ट करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इसका जो इसकी जो परिस्थिति है ना, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये एरिया सील्ड है, अब जो भी करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये वही पार्टी है, ये डिफेंडेंट नंबर 4 वही है, ये अंजुमन इंतजामिया वही है, जो कि कुछ दिन पहले हम जब इसके सर्वे की बात कर रहे थे तो इन्होंने विरोध किया था और कहा था कि ये एरिया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सील्ड है तो ऐसी परिस्थिति में ये अप्रोटेक्टेड है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जो है ये कैसे इसको ओपन कर सकते हैं? तो मतलब जो भी बातें हैं, अगर किसी एक उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको बंद किया गया है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही खोलेगी, इसकी परिस्थिति यही है। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन ये डिमांड क्यों रही मुस्लिम पक्ष की तरफ से? वहां पर साफ सफाई क्या इतना जरूरी है या फिर मुस्लिम पक्ष कुछ और करना चाहता है? देखिए, ऐसा है कि अब उनके उनकी मंशा क्या है ये तो वही जानेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ऐसी कोई विशेष रिक्विजिट अभी वहां पर नहीं है, और जो भी चीजें हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जा सकती है। परिस्थिति को समझिए कि जो भी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो हम यहाँ से ना तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज से हो सकता है ना हमारे कुछ कहने से हो सकता है। अनुपम जी, अब एक केस का स्टेटस के बारे में और मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि जिला अदालत में मामले की सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में भी 1991 के मामले में रिपोर्ट तलब कर ली गई है, तो इस पूरे मामले पर फैसला कहां से आएगा? देखिए, ऐसा है ना, आपको एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं कि देखिए मुकदमों का अलग अलग नेचर है, ठीक है? अब जैसे आप जो वो 1991 के मुकदमे की बात करते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट में पूरे जितना हिंदू समाज है उनकी तरफ से वो मुकदमा है। आप राखी सिंह के मुकदमे की बात करिए तो वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में वर्शिप के लिए मांगा गया मुकदमा है, वहां राइट टू वर्शिप की बात है। उसके बाद एक मुकदमा और है जो भगवान आदि विश्वेश्वर है, जिसमें भगवान स्वयं पार्टी है, जो कि किरण सिंह द्वारा दाखिल किया गया मुकदमा है। उस मुकदमे पर आप जाएंगे तो उस मुकदमे में डायरेक्ट भगवान ने मुकदमा डाला है, अभी तो उस मुकदमे की बात ही नहीं सामने आ रही है। वो मुकदमा और इंपॉर्टेंट है, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस मुकदमे में स्वयं देवता ने मुकदमा दाखिल किया है। तो इस तरीके से हर मुकदमे का नेचर अलग अलग है और हर मुकदमे में अलग अलग चीजों की रिलीफ मांगी गई है। तो जो 1991 की मुकदमा है उसमें अलग चीजें सामने आएंगी, और जो भगवान आदि विश्वेश्वर का मुकदमा है उसमें अलग चीजें सामने आएंगी, राइट टू वर्शिप का मुकदमा राखी सिंह का है उसमें अलग चीज है, वो ये सब चीजें अलग अलग है। ठीक है शहजादाबाद साहब, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आप लोग जाएंगे कि नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे कि नहीं बुलावे पे? हालांकि उन्होंने कहा कि भाई भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे।
कुंदन जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये है कि न्योता नहीं आया है, दूसरी चीज ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो तय कर लें कि हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं उनका जाना वो स्वीकार करेंगे। लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा कि वो एक मंदिर में गए थे, किस तरीके से नारे लगाए गए, किस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की गई। तो आप पहले ये तय होना चाहिए कि आप किसको मंदिर में आने देंगे, किसको आने नहीं देंगे, क्योंकि सबरीवाला में आपने देखा है कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जो है वो उस पर रोक लगा दी गई थी। तो ये सब चीजों को पहले देखना चाहिए। हम तो बात जनता की करना चाहते हैं। ठीक है, राजकमल जी रिस्पोंड कर रहे हैं। राजकमल जी कहिए कहिए कहिए। आप जो आप लोग जो जनता की फाइलें हैं वो खोलने के लिए जो हम सार्वजनिक करना चाहते हैं आप लोग रोक लगा देते हैं। असली फाइलें नहीं, नहीं, नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। राजकमल जी कहिए, फाइलें यही हैं। राजकमल जी कहिए कहिए। रामलला का मंदिर, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऑपरेशन नहीं हो पा रही है, ये प्राइवेट पूरे देशवासियों का है, काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का बैनर नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर लोग आइएगा, दर्शन करिएगा। और अखिलेश जी को आना चाहिए। क्या वो मेरे को बुलाएंगे भगवान के दर्शन करने मंदिर में? अरे मंदिर तो सबके लिए खुला हुआ है, उस मंदिर में आइए। राजकमल जी उद्घाटन में तो बुलाना ही पड़ेगा ना, आप लोग बुला नहीं रहे। अरे उद्घाटन में ही बुलाया जाएगा, अभी इनकी इनको जानकारी नहीं है। सबके निमंत्रण पत्र पहुंच रहा है, कुछ के पहुंच गए, कुछ के पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कि इनके जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इस अभियान को चलाया था, बाबरी मस्जिद वाले अभियान को, उन सबको बाहर कर दिया गया है। पहले तो विनय कटियार जी को पूछिए कि विनय कटियार जी को बाहर कर दिया, किसी को बाहर नहीं करा। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, कोई बाहर नहीं है, वो सब एक है, सब दर्शन करने जाएंगे। लेकिन हम कोई अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहते, हम केवल इसलिए जाना चाहते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। नहीं राजकमल जी, आप ये खुलासा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी निमंत्रण जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हरे मैं कह रहा हूँ भगवान के अंदर निमंत्रण आता है, हम खुद जाते हैं। ये बताइए, मैं खुद जाऊंगा, मैं केंद्रीय प्रबंध समिति में हूँ, मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है, लेकिन मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। अरे आप बताइए, हम तो पहले सवाल कर रहे हैं। विनय कटियार जी को बुलाया आपने, नहीं बुलाया? लाल किशन आडवाणी जी को आपने बुलाया कि नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? आपको जानकारी नहीं है ना, आप बहस मत करिए। लाल किशन जी को सबको निमंत्रण गया है, सबको निमंत्रण गया है। शमशी साहब कुछ कह रहे हैं? शमशी साहब आप गलत जानकारी में बोल रहे हैं। आप पहले जानकारी करिएगा। लाल किशन आडवाणी विनय कटियार जी से कहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान उसी को बुलाएंगे जिसके दिल में आस्था होगी। अगर अखिलेश यादव के दिल में आस्था होगी, अगर वो राम भक्त होंगे, अगर राम को मानते होंगे, राम में उनकी आस्था होगी, तो कहीं ना कहीं तो उनको जाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन अगर राम विरोधी है, अयोध्या के विरोधी है, राम मंदिर के विरोधी है, तो ऐसे लोगों को मंदिर से कम 20 किलोमीटर दूर रखा जाएगा। ये बिल्कुल तय है, पूरी जनता को बुलाया जा रहा है। 5 करोड़ सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। राजकमल यादव की इनको बुलाया जाए? राजकमल जी शमशी जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहिए शमशी जी, शमशी जी देखिए, जो राम भक्त है, कुंदन जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जो राम भक्त है, जो राम जी का दर्शन करना चाहता है, राम जी में जिसकी आस्था है, उसको भगवान जरूर बुलाएंगे। अब ये उनका नसीब है कि अगर वो राम जी में आस्था नहीं रखते, राम के विरोधी है, तो उनको जो निमंत्रण भेजने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो सनातन विरोधी है। इसलिए हो सकता है कि निमंत्रण भेजने के बाद भी अखिलेश यादव जी है जो है वो राम जी का दर्शन न कर पाए। ये बड़े नसीब की बात होती है कि ऐसे लोगों का दर्शन मिले, और राम जी जो है कभी ऐसे लोगों का दर्शन नहीं देंगे जिन्होंने उनका विरोध किया है, उनके ऊपर गंदी राजनीति की है, उनके ऊपर सियासत की है। ऐसे लोगों को अगर भेजा जाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को अयोध्या जाने से रोका जाए, जहाँ की पवित्र भूमि को जो है गंदा करने का काम अगर अखिलेश यादव करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे कि वहां पर अखिलेश यादव को जाने न दिया जाए। वही अखिलेश यादव है जिनकी पार्टी के एक नेता पानी पी पी कर जो है राम जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, कभी गीता के बारे में बोलते हैं। तो इस तरीके के लोगों को और कैसे मुंह बनता है? बड़े शर्म की बात यह है कि निमंत्रण की बात भी कर रहे हैं, जिसको लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं, आज उसका निमंत्रण मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर अब राम के नहीं तो किसी काम के नहीं है। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज जो है
अयोध्या कितना बेकार रखे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम राम मंदिर देखने के लिए जाए। आस्था नहीं है, आस्था नहीं है, दिल नहीं है, राम जी को मानते नहीं है। ऐसे लोग अगर अयोध्या जाना चाहेंगे तो भगवान उनको कभी नहीं बुलाएंगे, और भगवान उसी को बुलाते हैं जिसके दिल में आस्था होती है, जो धर्म को मानता है। और योगी जी ने भी आज कह दिया, खुले मंच से कह दिया है कि धर्म अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मान लेना चाहिए और अखिलेश यादव जी को भी मान लेना चाहिए। आपने माना कि नहीं माना? रह गए निमंत्रण की बात, तो पूरे देश को, पूरे देश को निमंत्रण भेजा जा रहा है, पूरे देश को निमंत्रण भेजा जा रहा है। अब उनके भाग्य में राम जी का दर्शन नहीं है तो कुंदन जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मथुरा और काशी की बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई में कोई ऐसी लिस्ट है जैसा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।